नमस्कार, आपका अपना शो लाइव क्रिकेट जिंदगी में आपका स्वागत है। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा एकदिवसीय मैच भारतीय समयानुसार 3:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। ऐसे में ये तीसरा मैच दोनों टीमों के लिए करो मरो का है। दोनों टीमें फाइनल मैच जीतकर सीरीज पे कब्जा जमाना चाहेंगे। आज इस खास बातचीत में हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर बलबीर सिंह जी लमोरिया। स्वागत है आपका। वेलकम गजान। क्या लगता है आपको, इंग्लैंड जिस प्रकार से पिछले मैच में लो स्कोर 246 रन का स्कोर बनाया, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं था, उसके बावजूद भी 100 रनों के मार्जिन से जीत दर्ज की है, तो इंग्लैंड का मनोबल काफी बड़ा? हाँ, इसमें इंग्लैंड पहले मैच में इंग्लैंड का मनोबल डाउन हुआ था, वो भी लो स्कोर पे आउट हो गए थे, लेकिन सेकेंड मैच में उन्होंने वापसी करते हुए गजब का प्रदर्शन किया और उनकी बॉलिंग टॉप लेग की खास करके बहुत ही अच्छी रही, जिसकी बदौलत वो इंडिया को इतने लो स्कोर में रोकने में समर्थ हुए। भारतीय अगर बल्लेबाजी की बात करें तो पिछले मैच में काफी निराश किया, 247 रन का लक्ष्य, उसके बावजूद भी 100 रनों से मैच गंवा दिया। क्या लगता है आपको, यहाँ पे भारतीय टीम में कोई परिवर्तन की संभावना? भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी अच्छी नहीं रही और उसके बाद में उनके बॉलरों ने भी अच्छा, खास करके टॉप लेन अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे 6 विकेट लेकर के भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। रोहित शर्मा खास करके अच्छे स्टार्टिंग 0 पे आउट हो गए और उसके बाद कोहली भी 13 रन के स्कोर पे ऊंची उठती हुई बॉल को टच कर बैठे और स्लिप में कैच दे बैठे, जिसकी वजह से ये निराशा आ गई। तो क्या लगता है, विराट कोहली लगातार आपको फॉर्म है, दबाव उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, टेस्ट मैच में भी ज्यादा बल्ला नहीं चला उनका, T20 में कोई खास योगदान नहीं दे पाए और इस लास्ट वनडे में भी उन्होंने निराश किया, क्या लगता है विराट कोहली को नंबर 3 की बजाय नंबर 4 भी खिलाएं तो शायद बेहतर होगा? हाँ, ये भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, हो सकता है उसकी फॉर्म वापिस आ जाए, क्योंकि सभी लोग आशाएं बनाए रहते हैं कि विराट कोहली बहुत बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन हमेशा निराशा हाथ लगने लग गई और सब मायूस हो जाते हैं विराट कोहली जब आउट हो जाते हैं तो इसलिए एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए, ताकि जो फास्ट बॉलिंग है वो निकल जाए और बाद में वो उनकी अच्छी तरह से जमकर पिटाई करें और एक बड़ा स्कोर हासिल करके अपने लय वापस प्राप्त कर लें, इससे उनको भी फायदा होगा और सभी दर्शकों को भी फायदा होगा। बिल्कुल, नंबर 3 पे एक बड़े प्लेयर का खेलना बहुत ही जरूरी है जो फॉर्म में चल रहा हो। भारतीय गेंदबाजी की अगर बात करें, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और स्पिनर के रूप में चहल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पी कृष्णा की जगह क्या लगता है आपको, शार्दुल ठाकुर या फिर हर्षल पटेल को क्या मौका दिया जा सकता है आज के मैच? हर्षल पटेल अच्छे हैं, चकमा देने वाले बॉल फेंकते हैं और वो चकमा देकर अच्छे अच्छे बैट्समैन को आउट कर देते हैं, और शार्दुल ठाकुर भी बैटिंग में अच्छे हैं और वो भी अच्छे साबित हो सकते हैं, जिससे कि भारतीय टीम को फायदा हो सके। तो इन्होंने बताया कि जैसा कि पी कृष्णा की जगह शार्दुल ठाकुर या फिर हर्षल पटेल को मौका दिया जाए तो भारतीय गेंदबाजी और काफी मजबूत हो सकती है। इंग्लैंड की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी काफी मजबूत है, पिछले मैच में जरूर अच्छा स्कोर किया था, तो क्या लगता है इंग्लैंड की तरफ से कौन बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के लिए दिक्कत बन सकता है? पिछले मैच में देखो, रूट वैसे तो सारे ही बल्लेबाज अच्छे हैं उनके, स्टार्टिंग से लेकर के नंबर 7 तक बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। मोइन अली भी अच्छे चलते हैं, बटलर को भी अभी मौका दिखाना है, और रूट भी कई बार फेल हो जाते हैं और कई बार अच्छे जम जाते हैं तो जड़ की तरह ही काम करते हो, जड़ की तरह वो नहींलने वाले होते, फिर भारतीय बॉलर तिलमिलाते रहते हैं। इंग्लैंड की अगर गेंदबाजी की बात करें तो टोपली शानदार फॉर्म में है, पिछला लो स्कोर मैच था उसके बावजूद भी 6 विकेट निकाले और भारतीय जो बल्लेबाजों पे उन्होंने दबाव मिलाया, दबाव जो बनाया उन्होंने, उसका लाभ उनकी टीम को मिला और 100 रनों के मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की। आखिर आज के इस मैच में कौन कब्जा जमाना चाहेगा आपके हिसाब से? आज के हिसाब से दोनों ही टीमें मजबूत हैं और दोनों को किसका लक डिपेंड करता है, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट के बाद में देखो किसका बाकी दौड़ मार करके कौन बाजी मारता है और कौन अपने दम पे 2-1 की श्रृंखला ले जाता है। जैसे T20 में तो भारत ने कब्जा कर लिया था, अब ODI भी जीते तब रोहित शर्मा की कप्तानी में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया।
ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें लाइव क्रिकेट जिंदगी। हैव ए गुड डे।